गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बी एड सेकेंड ईयर के भूगोल शिक्षण के अंतर्गत शव्य संसाधनों की उपलब्धता पढ़ेंगे। कल हमने संप्रेषण तकनीक पढ़ ली थी और सर्वदश पढ़ लिया था। इनकी उपयोगिता क्या है शिक्षण में, इसका आज हम वह जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायता, कि संप्रेषण उपकरण की सहायता से जो विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय क्रियाएं होती हैं या प्राकृतिक स्थलाकृतियां होती हैं, उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विषय सामग्री को आसानी से इस प्रकार स्पष्ट हम स्पष्ट कर सकते हैं। प्राकृतिक स्थलाकृति कौन सी हो जाएगी, जो पर्वत है, पठार है, मैदान है वो, और जो मानव क्रियाएं, जो इन्हें मानव अनन्य क्रियाएं करता है, जैसे कहीं पर जॉब करता है या किसान है, खेती करता है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो मानव की क्रियाएं हैं और जो प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं उनके सिद्धांतों को हम स्पष्ट विषय वस्तु को स्पष्ट रूप में बना सकते हैं। सेकंड है हमारा विषय सामग्री में रोचकता का विकास करना। संप्रेषण उपकरणों के द्वारा अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया में रोचकता उत्पन्न की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी बांध को पढ़ा रहे हैं, तो उससे हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट द्वारा या रेडियो के द्वारा हम उस विद्यार्थी को ज्ञान देंगे, जिसमें क्या होगा कि विषय सामग्री के प्रति छात्र में रोचकता उत्पन्न हो जाएगी और वो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा कक्षा कक्ष के वातावरण को सजीव व सक्रिय बनाना, कि कक्षा के वातावरण को हम सजीव और सक्रिय कैसे बनाएंगे। तो संप्रेषण उपकरण के माध्यम से अध्यापक क्या करेगा कि अपनी बुद्धि को उपयोग में लेकर जब कक्षा का जो वातावरण उबाऊ हो गया है या नीरस हो गया है, उस वातावरण को वो कैसे सजीव बनाएगा, कि अगर वो किसी टॉपिक को यानी पर्वत पठार को पढ़ा रहा है तो वह क्या करेगा कि उससे संबंधित वो चित्र को दर्शा के पढ़ाएगा। तो क्या होगा कि पिछली पंक्ति में जो कोई बालक होते हैं कि पिछली पंक्ति में वो बैठे हुए कोई तो सो जाते हैं, बहुत सी बात करते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो तुरंत ही उस टॉपिक को पढ़ने में रुचि लेंगे और हमारा जो वातावरण है वह सजीव बनने की या सक्रिय बनने की कोशिश करेगा और वे सावधान होकर उस चीज़ को भी पढ़ पाएंगे। चौथा पॉइंट है हमारा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, कि संप्रेषण के उपकरण के माध्यम से स्थायी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कि हम किसी नगर या औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान है उससे संबंधित ज्ञान को हम स्थायी ज्ञान कहते हैं। उससे संबंधित ज्ञान को हम क्या छात्रों में स्थायी ज्ञान के रूप में रख सकते हैं। पांचवा है हमारा अनुशासनहीनता रोकने में सहायक, अनुशासन को रोकने में भी ये महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम परंपरागत से विधि से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि विद्यार्थी उसमें उब जाते हैं और कोई इंटरेस्ट लेते भी नहीं है और उनका पढ़ाई मन में भी लगता नहीं है। तो क्या करेंगे कि जो दूसरे बालक होते हैं क्या करते हैं, मस्ती करते रहते हैं या एक दूसरे को छेड़छाड़ करते रहते हैं और अन्य शरारतें भी करते हैं, जिससे शिक्षण जो प्रक्रिया होती है क्या हो जाती है, ठप हो जाती है और संप्रेषण सामग्री के उपयोग में उतनी समस्याएं भी नहीं आती हैं। ये थे हमारे पांच पॉइंट। अब हमारा छठा पॉइंट है प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प। इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम किसी बालक को जाकर ये नहीं कह सकते कि तुम पढ़ाई करो, क्यों, क्योंकि उसको ये बोझ लगने लग जाता है और हम उसको उस चीज़ में ज़्यादा धकेल भी नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके से हम क्या करेंगे संप्रेषण सामग्री द्वारा हम क्या करेंगे, कक्षा में ऐसी सामग्री लेके जाएंगे कि जो नीरस वातावरण बन चुका है तो वो वातावरण सक्रिय बन जाएगा और बच्चे को उसमें पढ़ने में रुचि आएगी। तो क्या करेगा शिक्षक, अगर धारों की उत्पत्ति पढ़ा रहा है या ज्वार भाटा पढ़ा रहा है या तरंग पढ़ा रहा है, उसके चलचित्र या प्रोजेक्ट ले जाकर उस बच्चे को पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो उसको देख कर प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएगा। सातवां पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदुओं का विकास आसान। संप्रेषण उपकरण के माध्यम से क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वह शिक्षण बिंदुओं को लेकर पढ़ाता है और क्रमबद्ध में पढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि शिक्षण बिंदुओं का विकास भी आसानी से उसमें हो जाता है। आठवां पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कि कक्षा में सभी जो छात्र होते हैं वो समान नहीं होते,
कई कई छात्र क्या होते हैं कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं उन्हें देखते ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जब हम उनको बोलते हैं तो वो लिखते भी हैं और देखते भी हैं और उन्हें तभी भी कोई चीज़ याद नहीं रहती है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति इस प्रकार हमारी होती है और ये इसकी पूर्ति संप्रेषण उपकरण के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। नवा पॉइंट है हमारा मानसिक शक्तियों का विकास, कि बालक में मानसिक शक्तियों का विकास हम कैसे करेंगे। तो संप्रेषण जो उपकरण है का प्रयोग के कारण शिक्षार्थी किसी स्थान या किसी आंकड़े का निरीक्षण तुलना करना सीख जाता है और वह किसी तथ्य के आधार पर निष्कर्ष पहुंचने की भी क्षमता भी उसमें आ जाती है। तो ये है हमारा मानसिक शक्तियों का विकास। तो ये हमारे 9 पॉइंट इसके अंतर्गत पूरे होते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। ये आपका गृह कार्य है कि सर्वे दृष्टि संसाधनों की उपयोगिता बताइए। ये आपको अपने नोटबुक में क्वेश्चन का आंसर उतारना है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि सर्वदृश्य सामग्री क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं, इसे सर्वदृश्य सामग्री कहा जाता है। इसका बालक पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम शिक्षण करवा रहे हैं और हम इस सामग्री का उपयोग करते हैं तो छात्र के मन में एक छाप छोड़ जाती है। अगर हम इसको एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बालक भविष्य में अगर उससे रिलेटेड कोई पढ़ता है तो वह क्या करता है कि जो हमारे पढ़ाया होता है उस ज्ञान उसका स्थायी हो जाता है और उसको तुरंत ही बता सकता है कि ये चीज़ मैंने ऐसे पढ़ी थी या इसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसलिए शिक्षण कार्य में सर्वदृश्य संसाधन और संप्रेषण तकनीक का बहुत ही महत्व होता है। ये शिक्षण कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे।